हाँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्नैक केचर इंदौर में। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में सांप को रेस्क्यू करने के लिए हमें थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ा, आगे आप देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये रेस्क्यू रेती मंडी जो केट चौराहे के थोड़ा सा आगे है, रेती मंडी एमविन एकेडमी के ठीक पीछे का ये रेस्क्यू है। आप देखेंगे आगे वीडियो में सांप है जो इन चद्दरों के पीछे छिपा हुआ था। इसके पहले ये सांप एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, जो पेड़ से उतरने के बाद यहाँ पर आ गया इन चद्दरों के नीचे। हमने जाकर यहाँ पर देखा सांप को, एक झलक सांप की मिली, जिससे रेड स्नेक है ये हमको ज्ञात हुआ। फिर देख पा रहे हैं जो आप चद्दरें हैं, लोहे की चद्दरों के टुकड़े हैं, इन्हें एक एक करके हटाया। उसके बाद सांप हमें पूरा पर्याप्त दिखा, लेकिन चद्दर आखिरी चद्दर हटते ही वो एकदम भागा और उसे पकड़ने के लिए हमें भी भागना पड़ा, क्योंकि कई बार सांप से तेज़ हमें होना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम हमेशा जुड़े रहें और हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को शेयर भी करें, जिससे हम ज़्यादातर लोगों के सामने जा पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के बीच हम जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम वाइल्ड लाइफ एनिमल और सांपों के लिए काम कर पाएंगे, वन्य जीवों के लिए काम कर पाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना हम ये काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहिए आखिर तक। धन्यवाद। लो ये पकड़ लो, चालू है वीडियो, है देख गया। तो देखिए आप, एक एक करके करीब करीब सारी चद्दरें तो हट गई है। अब ये जो आखिरी की एक या दो चद्दर है, ठीक इसके नीचे सांप बैठा हुआ है। और ये देखिए, ये भागा सांप यहाँ से, ये देखिए कितना तेज़ सांप भागा। ये रेड स्नेक है, जिसे घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। ये बहुत तेज़ भागता है, रेड स्नेक ही है, बहुत ही तेज़ स्पीड होती है इसकी, तो कई बार इनसे भी थोड़ा सा तेज़ होना पड़ता है। तो देखिए आप, उसे रेस्क्यू कर लिया है बिना किसी नुकसान के। सांप कोई भी हो, काटने की कोशिश हर सांप करता है, इंसानी टच होने से वो अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जीव नहीं चाहते हैं कि इंसानी टच इन्हें मिले। और हमारे घरों में या घरों के आसपास यदि कोई सांप आता है, तो वो सिर्फ अपने खाने के लिए आता है, हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आते हैं। तो ये हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हमें भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे निवेदन यही करते हैं कि किसी भी सांप को नुकसान न पहुंचाएं, ना उनसे छेड़छाड़ करें। और कहीं भी इंदौर में स्नेक रेस्क्यू के लिए आप हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। सांपों के साथ ही वन्य जीवों के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए आप, येलो मॉर्फ है इस सांप का, पीला सांप है, बहुत ही खूबसूरत सांप है, देख सकते हैं आप। बाइट करने की कोशिश करता है सांप, सांप कोई भी हो बाइट ज़रूर करेगा, क्योंकि उसका सबसे पहला प्रयास होता है कि छूटकर उसे भागना है। इसके लिए वो या तो आपको बाइट करेगा या पूंछ भी तोड़ सकते हैं। कई बार सांप पूंछ भी तोड़ लेते हैं भागने के लिए। आज ब्राउन है, ये पीला है। हाँ पीला है, ये तो घोड़ा पछाड़ बोल सकते हैं। घोड़ा पछाड़ रेड स्नेक से एक ही है, कलर का फर्क है। ये पीले वाले वैसे इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, पर क्योंकि ये इंसानी टच चाहते नहीं, इसलिए हाँ
अग्रेसिव है फिलहाल थोड़ा, तो वो सुंदर है यार। हाँ बहुत सुंदर खूबसूरत होता है। पाइप से दे ले लो भैया, समझ में नहीं आ रहा पाइप है। ठीक है, ये हम फोटो ले रहे हैं। उसके बच्चे के लिए आया था वो, गिलेरी के बच्चों के लिए। ये अपने स्नेक केचर यहाँ क्यों पड़ा है, उड़ गया क्या? एक डब्बा चाहिए मुझे ढक्कन वाला। वाह बैग ही लाए, मैं जल्दी जल्दी ना आ गया ना। हाँ अच्छा लगेगा। आपका कॉल आ गया तो मैं इधर ही आ गया। बेटा रख दे ढक के उधर, रख दे एक एक डिब्बा दे लाके इनको तेल का, जिसका ढक्कन हो। हाँ कोई सा भी चलेगा ढक्कन वाला। रेखा डरी कौन रेखा? अब वो पकड़ते रखा वहाँ, तोड़ इतनी दूर दूर से आएगी, इससे क्या होगा? रुद्र को लाते हुए लाते, इसकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है, जैसे जकड़ लेता है। ये पाइजन तो रहता नहीं है इसमें? नहीं वैसे ये देखो, हाँ। नॉन वेनमस होता है। हाँ। और सांप कोई भी हो काटे बिना तो रहता नहीं, क्योंकि ये क्या है फ्री, खुद की खुद का बचाव करने के चक्कर। हाँ बस, अब वैसे जगह भी तो इन्हीं की है ना। हाँ। खाने के लिए घूमते हैं वैसे तो। ये अपने चूहे भी बहुत ज्यादा है, ये खेत है पीछे पूरा खेत है। हाँ हाँ तो चूहे बहुत है, अपने खाने के लिए घूमते हैं। अभी ये नहीं, ये इस साल में तीसरा पकड़ा रहा है। हाँ हाँ तीसरा है ना, राजेश जी ने दो पकड़े, आप एक आप हो गए तीन, और दो तीन मैंने पकड़ लिया। नहीं नहीं सांप कोई भी आगे का अटैक नहीं करते, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमको। ये अभी शांत हो गया। जब ये गुस्से में होता है तो इसके जो मुंह जो दिख रहा है, मुंह के नीचे की जो वो स्किन है वो तो फुला फूल जाती है। हाँ ये बेटा, ये रेड स्नेक है बेटा, बिना जहरीला। हाँ लाइया बंद कर दो, एक मिनट चालू, थोड़ा पास से दिखा दूँ। ये देखिए अब जब फूलता है ना, जब सांस लेता है। हाँ ये फूलता है, ये लीजिए। ये देखिए आप सांस लेने पर इसके जो स्केल स्केल हैं उसमें गैप हो जाती है। ये ना गुस्से में सांस ले रहा है वो। पहले भी राजेश जी ने जैसा पकड़ा था उस दिन वैसे ही पकड़ लिया फटाफट से। ये तो टीम है ना। हाँ वही तो। देखो जरा तुम कौन आ जाता है घर में, तुमको कुछ पता रहता है कि नहीं? मुफा सा मुफा, ए मुफो मुफो, ए मुफा सा देख इधर, देख देख इधर देख, प्रिंस भैया भी आ रहे हैं। सुंदर है यार, खूबसूरत। सांप तो कोई सा भी हो खूबसूरत होते हैं, पर थोड़ा सा क्या है कुछ लोगों ने सालों से डरा रखा है लोगों को, और कुछ भी नहीं। डब्बे में भी सांप इतनी आसानी से नहीं आते हैं, सांपों को डब्बे में डालना भी एक बहुत ही रिस्की टास्क होता है, क्योंकि कभी भी बाइट कर सकता है। डब्बे में उसकी इच्छा से ही सांप जाता है, कोई भी सांप हो उसकी इच्छा के बिना आप उसे डब्बे में नहीं डाल सकते, बहुत मुश्किल है। तो देखिए आप, समय लिया इस सांप ने भी डब्बे में जाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं हाथ पर, इसने अपने आप को बांध लिया है, बंद बंद बांध लिया है सांप ने हाथ पर। आप देख सकते हैं किस तरह से पूंछ को लपेट के ये बंद बांध देते हैं, और इनमें इतनी ताकत होती है कि आपके खून का जो चलना है उसे ये रोक सकते हैं, इतनी इनमें ताकत होती है। तो ये काम रिस्की है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो में देखकर कुछ भी कॉपी करने की कोशिश ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ ए कोई बात नहीं है।
भागा भागा जाके उसको बाहर कर, अंदर भारी कर दे घर के उसको। वो है ना, मेरे को लगता है डब्बे का टेम्परेचर जो है। नहीं नहीं ठीक है, अभी मैं जाते समय उसमें पानी डालूंगा ना। इसको बाहर कर बेटा, पहले बाहर कर इसको। नहीं आ जाएगा वो तो। अम्मा जी घर आ जाओ। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द मिलेंगे आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, मेरे को एक कील चाहिए या फिर पेचकस चेक करने के लिए। हाँ एक मिनट बेटा, एक कील या पेचकस, क्या सब पेचकस ला दे बेटा। पेचकस कील चालू है ना। हाँ देखिए, रेड स्नेक है जिसे घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं, येलो मॉर्फ। सांप कोई भी हो, आगे हो के हमें कभी भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है, इसलिए ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना होने दें। घरों में या घरों के आसपास यदि सांप आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घरों पर कब्जा करने आया है, वो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, खाने के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं। और कुछ सालों में सांपों ने भी इंसानों के आसपास या उनके साथ रहना सीख लिया है, तो प्लीज़ किसी भी सांप को नुकसान ना पहुँचाएँ। इंदौर में कहीं भी स्नेक रेस्क्यू के लिए आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। सांपों के साथ ही वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।